गाना खत्म हो गया, मेरा सोच तो निकाल लेना। इधर बदामी भाई जरा आप भी दो मरतबा ये करते हैं। मैं आधी मरतबा भी ये नहीं करूंगा। करे तो सही मजा आएगा ऐसे। ये मुझसे हो नहीं पाएगा। चाचा वसीम जानू वसीम एक दफा तो कर देना। ये जो मेरा बच्चा कह रहा है सही है। चले बाय बाय। मैं अच्छा ये कर दे। अच्छा मुझे मेरा तकरीर तो दे दो। अच्छा तकरीर आपने लिखी है? जी मैं तकरीर लिखता नहीं इनकी। अच्छा हाँ जी सर। तकरीर का मौजू क्या किस हवाले से है? सबसे पहले मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। कराची किंग्स ने क्वेटा को हरा कर लाहौर को बाहर कर दिए। इसके पहले हमने मुल्तान को बाहर किए थे। ये सब के सब हमारे हुकूमत के नामुरादी है। नामुरादी नहीं सर, कामयाबी लिखा हुआ है। ये सब हमारे हुकूमत के कामयाबी है। के पीएसएल के मेले को मेले 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 जनाब यहाँ पे क्रिस गेल खेलने आया था जो मेला था। मेले नहीं सर वो मेले मेले को मेले क्यों था? दुनिया हसीनों का मेला मेला ये हुआ था। हसीनों का मेला क्या कहा? समझाने के लिए एक बार। एक्सक्यूज मी बजामी इतने बड़े हो गए हसीनों से बाहर नहीं निकलते ये। सर समझाने के लिए एक बात। ओ माय गॉड समझाने के लिए। ए मेला सर मेला 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 पीएसएल के मेले को दुनिया भर में इज्जत दी है। इज्जत जनाब मेरी अभी शादी नहीं हुई तो इज्जत कहाँ से आ गई भाई? अच्छा ये इज्जत नहीं होता है, इज्जत होती है शादी के बाद इज्जत होती है। पीएसएल के मेले को दुनिया भर में इज्जत दी है। सर जोर लगा के जरा थोड़ा सा एक्सप्रेशन मुंह पे बनाए जरा। पीएसएल को कामयाब करने के लिए हमने सड़कों का कीड़ा उठाया। कीड़ा सर आप मेरे मामू को क्यों उठा रहे हैं? और सारे लोग कहते हैं मेरा क्या कीड़ा है यार? क्या लिखा क्या है? वो कीड़ा नहीं कूड़ा लिखा है। कूड़ा ओए कूड़ा कूड़ा सड़कों का कूड़ा उठाया। शिरी को दुल्हन बनाया है। सर शिरी को इस उम्र में दुल्हन बना रहे हैं? इतनी उम्र का दूल्हा कहां से लाएंगे? उनको तो वो दूल्हा मिलेगा जिनकी आखिरी रीले चलती होंगी। यार ये नहीं गलत बात कर रहे हैं, ये नहीं करें। और दूल्हे के ऊपर लिखा होगा कि दूल्हे को दुल्हन ये मेरे प्रोग्राम में ये नहीं रखे। आप तो पर्सनल हो रहे हैं यार, क्या आप बताएं यार क्या क्या गलती कर रहे हैं? लिखा हुआ क्या है वो बताओ। शहर को दुल्हा बनाया। शहर को दुल्हन बनाया है। चलो जी ने कराची दी हमें मुछालू आती है ने दूल्हा बनाया दूल्हा। शहर को दुल्हन बनाया है। गैर मुल्की खिलाड़ियों गैर मुल्की गैर मुल्की केर नहीं है गैर है गैर गैन गैर ये देखे गैर अलफगा गैर ये गी गैर 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 जैसे मुंह में पानी डाल के नहीं कहते गैर। गैर मुल्की खिलाड़ियों पे गुलाबों पे की है भाई जान। एक ही गुलाबो है हमारे पास वो भी फेंक रहे हैं। ये क्या लिखा है? गुलाबों की पत्तियां फेंकी है। गुलाबों की पत्तियां फेंकी है। पत्तियां नहीं पत्तियां। ओके पत्तियां क्या होता है? ओके ओके ओके। कराची में मरने वाला हर छक्का। मरने वाला छक्का नहीं सर वो लगने वाला छक्का होता है। ओके ये आप बताएंगे वासत भाई आपने तो खैर नहीं खैर आपने तो कभी छक्का मारा ही नहीं यार। आप आपके होते हुए छक्के की जरूरत है। ओह
आपको क्या पता कि छक्के का टेस्ट क्या होता है? ओ यार तकलीफ, यार क्या कर रहे हैं भाई आप? इंग्लिश में स्पीच कर दिया था। ये बॉलर हमारे पास बैठे हैं अपना तनवीर भाई, इनको पता है भाई जान आपने तो बहुत छक्के खाए हैं, वो बताएं जरा भाई। ये जी मारने वाला छक्का होता है, आप उस छक्के की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, लगने वाला क्या? हाँ मारने वाला, कराची में लगने वाला हर चौका, चौका हर चौका, चौका क्रिकेट के चाटने वालों को, क्रिकेट के चाटने वालों को नहीं, क्रिकेट के चाहने वालों को, गेंद नू खीर लगी और ऐसे चाट के बॉलिंग करवाएंगे। गुड, क्रिकेट के चाहने वालों का खून गर्माएगा, खून नहीं जनाब खून। जैसे पानी गर्म होता है, दूध गर्म होता है, अंडे गर्म होते हैं, अंडे गर्म अंडे वो होते ना वो होते, या कभी कभी एंकर गर्म होते हैं। हाँ, जिस तरह कल वसीम भाई हुए थे कटहरे में बैठ के। वो कभी कभी होता है, खून गर्माता रहेगा। हाँ, मुझे बहुत अफसोस हुई हुई हाँ चलो ठीक है हुई मुझे बहुत, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाएं। ओके, मुझे बहुत अफसोस हुई। सारे इस तरह तो अफसोस दाएं बाएं हो जाएगा, एक सुर नीचे कर लें जरा थोड़ा सा। मुझे बहुत अफसोस हुई। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। के इमरान खान को नोबेल इनाम की बात हुई, नोबेल इनाम देना है जी जी, तो मेरे पापा को दो। सर ये कहां से आई, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, मैंने नहीं लिखा जनाब ये, नहीं रात को डायरी चोरी हो गई थी, मेरा ख्याल पापा ने खुद ही लिख लिया है। नोबेल इनाम देना है तो मेरे पुपो को दो। हाँ ये मैंने लिखा जी, लिखे हाँ, तनख्वाह लेनी होती ना जी। नहीं फुफो का बनता है, फुफो का तो बनता है जी। नोबेल इनाम देना है तो कायम अली शाह को दो। हाँ जी वो दुनिया में इतना टाइम निकाल गए, उनका तो बनता है जनाब। और वैसे बेजरर लीडर है, नोबेल इनाम बन जाएगा उनके लिए। हाँ नहीं बेजरर लीडर है जनाब, उनका फायदा नहीं तो नुकसान भी नहीं है। वो होम्योपैथिक है। नोबेल इनाम देना है तो डॉक्टर आसिम को दो। उनको क्यों भाई, उनका भी बनता है ना। क्यों बनता है यार, वैसे ही तो इस कुछ नोबेल प्राइज वैसे भी होने चाहिए, ऐसे ही बनता है। तो जरूरी नहीं कुछ करे तो मिले। नोबेल इनाम देना है तो शर्जील मेमन को दो। क्यों, वो भी वैसे ही। सर क्या कर रहे हैं सर, ये नोबेल इनाम है सर, क्या ना? नहीं जिनका नाम आपने लिया उनका तो बनता जी, शर्जील मेमन साहब का। क्यों देखें जी, इतनी देर में शहद की मक्खी शहद नहीं बनाती जितनी देर में वो बोतलों में शहद बना देते। हम भाई आगे नाम मत दे, हम समझ गए किस किस का लेना आपने। ओके ओके, नोबेल इनाम सिंध हुकूमत को दो। जी 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 जी, सिंध में बेहतरीन परफॉर्मेंस पर जो आप लोगों ने किए उस पर बनता है। देखो कराची में अमनो अमान जो किया आपने उस पर बनता है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हैं, नाम तो बनता है। आपने तो बल्कि उज़ैर बलोच को दे भी दिया था पीस प्राइज, मैं खुद देखकर आया हूं घर में, तो आप कर सकते हैं, ये आप कर सकते हैं। मेरे ख्याल में कुछ गलत है। नहीं 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 सही है, बस ठीक है। मेरे ख्याल में कुछ सही है, सब गलत ही है। है सही है लेकिन आपसे मुंह से ठीक नहीं लग रहा बात। ओके ओके, लेट्स टॉक अबाउट मियां साहब। मियां साहब, मैं कल मियां साहब को मिलने जाऊंगा। हाँ ये और पहले भी हम गए थे जनाब, साथ केले लेके गए, किन्नू लेकर गए, आम लेके गए, जूस लेकर गए, हमें मिलने नहीं दिया किसी ने। फिर जेल के बाद वो अधिक कीमत पे बेच कर वापस आ गए। तो डॉक्टर भी ले जाते कोई। हाँ डॉक्टर भी जाएगा। I'd like to address in English now. Please. ये आप सुने, मैं तर्जमा करके बता रहूँगा। मुझे पता आपको इंग्लिश नहीं आती। हाँ तुसी तो PhD की थी इंग्लिश में। जी जी जी। सर। I will meet Mia Saab tomorrow. मैं सुबह Mia Saab से मिलने जाऊँगा। अच्छा। Okay. I'll convey him my utmost regret for him and for his efforts. जी भाई। इसका क्या मतलब? हाँ कि मैं उधर जाऊँगा, मिलेंगे तो ठीक है, वरना मैं अपना सूट भी उतार के उनको देने के लिए तैयार हूँ। ये बोला है ना? हाँ। जी सर। I'll assure him that me and my party stands up to his opponents. हाँ, शोरबा लेकर जाऊँगा, साथ नान होंगे और सिरी पाए भी होंगे। ये कह रहे हैं? हाँ, अगर शोरबा ना हुआ तो मैं अपनी जमात से रिजाइन कर दूंगा। ये मैंने कब कहा? ये मैंने कब लिखा?
پھر یہ وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے آپ کی پچھلی انگریزی والی تقریر میں کہ پتہ نہیں آپ کس کو خوش کرنے کے لیے انگریزی میں تقریر کرتے ہیں, تو آج آپ کس کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں تقریر؟ ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے جی سر, اس کا بھائی میرے خلاف بولے ہیں لیکن میں نے ان کو کچھ نہیں کہا, حالانکہ کہا ہے. ان کے بھائی کی بات کر رہے ہیں اسد عمر صاحب. میں آپ کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں سر, کنکلوڈ کر دیں, میں بریک لینا چاہتا ہوں. سر چاہیے سر دیں گے ہم. ہاں سر جی, بریک لینی ہے نا. جی سر, سر ایک بار یہ کر دیں. یار میں کس ایک یہ کام رہ گیا جو میں نے اربع میں نہیں لیا. ایسا ذرا کہہ دیا, ذرا کہنا ہے ان کو. کیڈبری ڈیری ملک کے تحفے آپ لوگوں کے لیے, ہمیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں.